योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोचिंग टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रायर के बारे में। दोस्तों पहले भी मैं ड्रायर पर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि RX-134 के साथ आपको कौन सा ड्रायर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों एक टेक्नीशियन भाई ने कमेंट्स किया था कि आप हमें ये बताइए कि हाइड्रोकार्बन 601 के साथ हम कौन सा ड्रायर यूज़ करें और अन्य रेजिडेंट के साथ भी हम कौन सा ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी विषय पर मैंने जानकारी उपलब्ध करवाई है जो आपके लिए बहुत ही कामयाब या कारगर सिद्ध हो सकती है। दोस्तों इस पर लिखा हुआ है डेसिसेंट कम्पलेटिव विद रेजिडेंट स्टेशनरी ओरिजिनल इक्विपमेंट कि हम कौन से रेजिडेंट के साथ कौन सा ड्रायर यूज़ करें। इसमें सारी चीज़ें डिस्प्ले पर अंकित हैं, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप इसका फोटोग्राफ लेना चाहें तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पर जाकर वहां से आप इसका फोटो ले सकते हैं। दोस्तों ऊपर अगर लेफ्ट साइड से चलते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है 4A XH5 XH7 SX6 XX9 SX11। ये सभी ड्रायर्स के नंबर हैं और जो 4A है ये ड्रायर्स की कैटेगरी होती है, उसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। 4A 3A 5A ये एक इनका डिवाइड किया हुआ है कि ये मतलब इनकी कैटेगरी बनाई हुई है 4A 5A, ऐसे मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से ऊपर से चलते हैं। हाइड्रोकार्बन 600A में हम SX5 भी लगा सकते हैं दोस्तों, 7 भी लगा सकते हैं, 6 9 11, हम कौन सा भी हाइड्रोकार्बन 600 में ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों HS 290 में, हाइड्रोकार्बन 290 में हम इनमें से किसी प्रकार का भी ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। और CFC 11 और 12 ये हमारा फेज आउट हो चुका है। अगर हम आगे चलेंगे HCFC 123 है, इसमें भी हम SX5 से लेकर SX11 तक कौन सा भी ड्रायर हम अपने इस रेजिडेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। आगे चलता हूँ दोस्तों HCFC 124, इसमें भी हम किसी प्रकार का ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ 134 का, मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि 134 के लिए हम कौन से ड्रायर का यूज़ करें। और अब मैं आपको HSCFC 22 नंबर के बारे में बता रहा हूँ, इसमें आप XH6 XH9 और XH11 का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही रेजिडेंट के साथ कौन सा ड्रायर यूज़ करने की, आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा 4A और 3A इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये स्लाइड आपके सामने है, इसमें लेफ्ट साइड एप्लीकेशन दिया हुआ है फॉर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर और ऑटोमोबाइल्स के लिए भी इसमें ड्रायर को बताया हुआ है कि हम ऑटोमोबाइल्स में कौन से ड्रायर का यूज करें। दोस्तों लेफ्ट साइड से चलते हैं, टाइप लिखा हुआ है, फिर ग्रेड लिखा हुआ है और फिर रिमार्क्स हैं। सबसे पहले टाइप लिखा हुआ है 4A और ग्रेड है XX5, ये हम यूज फॉर डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ रेफ्रिजरेंट R12 और R22। XH5 का इस्तेमाल हम R12 और R22 के लिए कर सकते हैं। R12 हमारा फेज आउट हो चुका है और R22 भी हमारा फेज आउट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों टाइप है 3A XH7 यूज फॉर डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग RX-134A आल्सो यूज फॉर स्पेशलाइज रेफ्रिजरेंट सच एज ए ब्यूटेन इन ग्रीन रेफ्रिजरेंट। दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये RX-134 के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों उससे नीचे 3A कैटेगरी और XH9 इन ड्राइंग रेजिडेंट इन एयर कंडीशनिंग आइस बॉक्सेस एंड रेफ्रिजरेटर इन कार्स स्टेशंस वैगन्स रेफ्रिजरेशंस ट्रक्स ट्रेन एंड शिपर। XH9 का जो ड्रायर है वो ड्रायर हम इन एप्लीकेशनों में यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर मैं नीचे आता हूँ 3A XH11, इस पर लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ रेफ्रिजरेंट R-607C और R-610A। जो XH11 ड्रायर है वो हम R-607C और R-610A के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है कैटेगरी 5A और इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है HFW 325। आगे हम पढ़ते हैं यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट R-134A रिड्यूस HCFC 11 22 लेस देन 2 PPM। दोस्तों जो ये ड्रायर है 5A कैटेगरी का है और इसका नंबर है HFW। इसका यूज हम उन सिस्टमों पर कर सकते हैं जिस सिस्टम का हमने रिट्रोफिट किया हो, यानी कि हमने 22 या 12 को रेजिडेंट को निकालकर अगर हम उसमें R-134 का यूज करने वाले हैं तो उसके ऊपर हमें ये
ड्रायर फिल्टर लगाना चाहिए ताकि उसका जो भी अशुद्धियाँ हैं वो ये 5A कैटेगरी का जो ड्रायर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके।